दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम कैप्चर वन प्रो के अंदर, ये एक सॉफ्टवेयर है, और कितना आसानी से जो है कुछ टूल्स यूज़ करके हम बिल्कुल रॉ इमेज को एक अच्छे से फिल्म लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक देखिए। यहाँ मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ कैप्चर 120। इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले भी, तो मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए। सामने आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, और ये पिक्चर है रॉ इमेज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नीचे इसका डेटा भी आप देख पा रहे हैं। ISO 1600 पे मैंने शूट किया था ये, मेरे थाईलैंड के ट्रिप पे जब मैं गया था तो एक क्लब के अंदर शूट किया था। 160 शटर स्पीड थी एंड F1.6 पे मैंने शूट किया था। 85 mm का लेंस मैंने यूज़ किया था। तो राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ये इमेज नंबर, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ मैं बना लूँगा इसका एक क्लोन वेरियंट। तो ये देखिए, ये नंबर वन एंड ये नंबर टू। तो नंबर टू इमेज पे मैं काम करूँगा ताकि हम बाद में कंपेयर करके देख सकें कि कितना फ़र्क आया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ये इमेज जो है, इसको एक पूरा फिल्म लुक देना है हमें। तो ये कम्प्लीटली रॉ इमेज है। रॉ इमेज में हम जो आप लेफ्ट साइड में टूल्स देख रहे हैं मेरे सारे, यहाँ पर एक्सपोजर के, हाई डायनेमिक रेंज, क्लैरिटी, ये लेवल्स आप देख पा रहे हैं, इधर कर्व, ये सारे टूल्स हम आज यूज़ करेंगे और आप देख पाएंगे कि इमेज बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो सबसे पहले ये इमेज मुझे थोड़ी सी जो है नॉइज़ी लग रही है, थोड़ा नॉइज़ लग रहा है क्योंकि 1600 ISO पे मैंने शूट किया था। तो मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले हमारा टूल है क्लैरिटी का, और यहाँ क्लैरिटी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, जैसे मैंने क्लैरिटी बढ़ाई, अब थोड़ा सा फेस 66 मैंने क्लैरिटी किया है एंड नाउ फेस इज़ लुकिंग मच मच बेटर, और थोड़ा सा शार्पन भी लग रहा है फेस, थोड़ा सा लग रहा है कि फोकस में है। ये देखिए, दिस इज़ द बिफोर वन एंड दिस इज़ द आफ्टर वन, सो हियर लिटिल बिट चेंज। एंड अब जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी दोस्तों, वो मेरा रहेगा यहाँ पे हाई डायनेमिक रेंज पे काम करना। तो सबसे पहले हम ब्लैक्स पे काम करेंगे। यहाँ पे ब्लैक का अगर जब मैं ऊपर करता हूँ, देखिए रेंज इस तरह से 100 पे, तो आप देख रहे हैं कि इमेज बहुत अच्छे फिल्म लुक की तरफ जा रही है। तो मैं इसे पूरा 100 ना करके जो है करीब 66 रखूँगा यहाँ पे, ये देखिए। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू। तो पिक्चर जो है काफ़ी सारे जो ब्लैक्स जो जिस जहाँ जहाँ ब्लैक कलर्स हैं वो थोड़े से अच्छे से हाईलाइट हुए हैं, और अब थोड़ा सा वाइट को छेड़ेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, पीछे बैकग्राउंड कम्प्लीटली वाइट है। अगर मैं इसको पूरा लेता हूँ तो ये देखिए, थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं ये ऐसा लग रहा है पीछे लाइटिंग, जैसे कोई बैक लाइट का इफेक्ट है। और अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये थोड़ा सा ऑफ वाइट की तरफ जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा बैक लाइट का इफेक्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा सिनेमेटिक लुक आए। तो यहाँ भी मैं इसे कर रहा हूँ करीब 65। तो आप देख रहे हैं दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू। तो ये थोड़ा सा पीछे का जो ऐसा लग रहा है सॉफ्ट लाइट आ रही है और थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक हमें नज़र आ रहा है, थोड़ा सा फिल्म लुक जैसा इफेक्ट आने लगा है। अब बात करेंगे शेडोज़ की। तो यहाँ मैं शेडोज़ को देखिए थोड़ा सा इस तरह से हाई कर रहा हूँ, देखिए ये। अब सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म लुक की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी कमी है अभी इस इमेज में, थोड़ा ठीक करेंगे इसे, बट शेडोज़ मैंने रखा है 33। नाउ दिस इज़ द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज़ आफ्टर प्लेइंग विद दिस हाई डायनेमिक रेंज टूल्स। और हाई डायनेमिक रेंज का बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम रॉ पे शूट करते हैं, और वहाँ पर हम जो भी हमारी लाइटिंग में प्रॉब्लम हुई है उसे हम रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। तो आप जब भी इमेज शूट करें रॉ पे शूट करें। अब जो है मैं ऊपर यहाँ एक्सपोजर को अगर मैं छेड़ता हूँ तो ये देखिए इस तरह से लग रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं थोड़ा सा माइनस में लेके जाऊँगा इसको हल्का सा, और यहाँ पर माइनस में भी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसे रीसेट कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से, यानी कि मैं एक्सपोजर नहीं छेड़ रहा हूँ। अब बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट की। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट मैं थोड़ा सा हाई रखूँगा, देखिए इस तरह से, देखिए। तो ये हमें थोड़ा सा मैंने यहाँ रखा है करीब 11। तो आप देख रहे हैं फिल्म लुक काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये मॉडल है इसके नोज़ पे और चीक्स पे और फोरहेड पे आप देखेंगे थोड़ा सा हाईलाइट्स पे काफ़ी अच्छी मिल रही हैं, और साइड में थोड़ा सा शेडोज़ मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है ये। दिस इज़ द ओरिजिनल वन एंड दिस इज़ ये जब हम प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद जो है ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा कम करूँगा दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए इतना, ये मैंने ब्राइटनेस थोड़ा सा कम किया है, मतलब मैं ले लेता हूँ करीब माइनस आई थिंक 11, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा -7। सो नाउ यू कैन सी ओरिजिनल इमेज एंड यू कैन सी द डिफरेंस। अब जो है दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे थोड़ा नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कर्व्स। तो मैं यहाँ पर RGB पे क्लिक कर रहा हूँ और थोड़ा सा कर्व्स के साथ प्ले करेंगे, और यहाँ देखते हैं हम कर्व को थोड़ा अगर ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए थोड़ा सा पिक्चर जो है हमें बहुत अच्छी लाइटिंग मिल रही है हल्का सा।
लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा साइड में इसी कर्व को थोड़ा सा प्ले करेंगे इस तरह से, ताकि थोड़ा फिल्म लुक अचीव हो। मैं ये देखिए, नाउ दिस इज़ लुकिंग मच मच बेटर। और ये देखिए, दिस इज़ द एक्चुअल इमेज एंड दिस इज़ आफ्टर प्लेइंग विद दीज टूल्स जो हमें कैप्चर 120 के अंदर मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जो है लुक अचीव हो रहा है। और यहाँ पे हम जाएंगे लूमा टूल पे इसके बाजू में, और यहाँ पे थोड़ा ल्यूमिनेंस के साथ प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया हूँ मैं, एंड स्लाइटली इसको हम थोड़ा सा नीचे लेंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग थोड़ा सॉरी, इसको थोड़ा सा हम और प्ले करते हैं, देखिए इस तरह से, एंड थोड़ा सा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ कर्व को। और यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, हमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी टूल्स के साथ, थोड़ा सा अच्छे से प्ले करना है ताकि आप अपनी इमेज पर अच्छे से काम कर सकें। सो दिस इज़ ओरिजिनल एंड दिस इज़ विद द फिल्म लुक। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा सैचुरेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट दैट्स ओके, क्योंकि हमें फिल्म जैसा लुक चाहिए जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, तो ये सब चीज़ें चल जाती हैं। अगर मैं सैचुरेशन को प्ले करूँ, यहाँ प्लस करूँ, तो देखिए इस तरह से सैचुरेशन और भी ज़्यादा हो रहा है। और कम करना चाहें तो हम इस तरह से भी कम कर सकते हैं सैचुरेशन को। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैचुरेशन इधर करीब, ये देखिए मैंने ये कर दिया है -9। दिस इज एक्चुअल इमेज एंड दिस इज आफ्टर प्लेइंग विद दिस टूल्स, यानी कि एक्सपोजर, हाई डायनेमिक रेंज, क्लैरिटी। अब जो है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक हमें अच्छा फिल्म लुक मिल गया है। अब मैं ऊपर जाऊंगा, देखिए इधर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं हमें वाइट बैलेंस। तो यहाँ वाइट बैलेंस दिखा रहा है केल्विन में 5193 एंड टिंट दिखा रहा है 0.1। तो मैं चाहूँ तो इसके साथ भी प्ले कर सकता हूँ थोड़ा सा वाइट बैलेंस के साथ, ताकि थोड़ा इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस आए। और देखिए यहाँ वाइट बैलेंस थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे वार्म की तरफ, थोड़ा सा बिकॉज फिल्म लुक चाहिए तो थोड़ा सा वार्म किया है मैंने, तो करीब मैंने यहाँ रखा है 68 या 6531। और टिंट जो है 0.1 है, अगर हम टिंट को छेड़ते हैं तो देखिए टिंट को हम थोड़ा बहुत भी छेड़ेंगे तो देखिए इस तरह से जो है ये लो में लुक मिल गया है 4.7। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली अ फिल्म लुक, जो कि मैं काफ़ी फिल्म जैसा लुक रख रहा है जो सिनेमा में हम देखते हैं। और मैं अब आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो दिस इज़ दोस्त बिफोर, दिस इज़ फ्रेंड्स बिफोर, एंड दोस्तों ये है हमारा फिल्म लुक। सो दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। सो यू कैन सी द डिफरेंस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द इमेज। और ये हम तब इसलिए कर पाए क्योंकि एक तो हमने रॉ पे शूट किया, और रॉ पे शूट करने के कारण जब हमने इसे कैप्चर 120 में खोला, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो हैं आसानी से कर पाए। और चूंकि रॉ पे मैं शूट की थी, तो ये सारे जो टूल्स हैं जो भी मैंने अभी आपको दिखाए हैं यूज़ करके, ये सारे काम आए हमें इमेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। कैप्चर वन ये 20 है जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन मैंने जो है कैप्चर वन 11, यानी कि टूल सब सेम है, वर्जन अलग है, उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, उसका लिंक मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता तो आप पूरा डेमो देखिए, 40 मिनट का वीडियो है, और वहाँ से आपको इसके सारे बेसिक्स टूल्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स हैं, सब पता चलेंगे कैसे यूज़ करना है। तो वो एक तरह की आपकी क्लास हो जाएगी, आप उसे ज़रूर देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है रॉ इमेज को प्रोसेस करने का। और मैंने इसे इस वक्त करते वक्त जो मैंने टूल यूज़ किया दोस्तों, वो मैंने वैकम टैबलेट यूज़ की है। तो मेरी वैकम टैबलेट जो है उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सो आपका थोड़ा सा वर्क फ्लो आसान हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द रॉ इमेज एक्चुअल एंड दिस इज विद द प्रोसेसिंग विद फिल्म लुक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।